आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप घर पर ही अमृतसर जैसी पिनिया कैसे बना सकते हैं। ये बनाना इतना आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई में, मोटे तले वाली कढ़ाई में, मैंने 3 पाव देसी घी गरम करने के लिए रख दिया है। ये मैंने गाय का शुद्ध देसी घी लिया है। आप किसी भी तरीके का घी ले लीजिए, पर वो शुद्ध घी होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए। साथ ही मैंने इसमें सबसे पहले तो डालने हैं ड्राई फ्रूट्स। पहले हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ बादाम। ये आधा किलो से थोड़े से कम बादाम है, इसे हम डाल देते हैं और एक बार इसे अच्छी तरह चला लेते हैं। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए बादामों को फ्राई करके, और हम एक मैंने थाल भी ले लिया है साइड में, उसमें निकालते जाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं और बादाम हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। मैं इसे एक थाल की बजाय सीधा मिक्सर ग्राइंडर में ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो पहले इसे प्लेट में या थाल में निकाल लीजिए। बादाम हमने निकाल लिए हैं। अब मैंने 250 ग्राम काजू लिए हैं। ये काजू टुकड़ा है, क्योंकि अब हमें इसे ग्राइंड ही करना है तो हमें साबुत काजू लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काजू तो वही रहता है पर उसके रेट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने काजू टुकड़ा ही लिया है। इसे भी हम एक बारी फ्राई कर कर निकाल लेते हैं। ये देखिए, काजू भी हल्के हल्के से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि काजुओं का कलर चेंज हो गया है। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना कि काजू काले ही पड़ जाएं। इसे भी हम निकाल लेते हैं बाहर। काजू भी मैंने निकाल लिए हैं बाहर। अब मैं ले रही हूँ मखाने। ये देखिए, ये 200 ग्राम मखाने हैं। इसे भी हम एक बारी फ्राई कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह एक बारी मिक्स कर लें। 2 से 4 मिनट तक इसे भी फ्राई करना है और फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मखाने हमारे फ्राई हो रहे हैं। साथ में मैंने लिया है 100 ग्राम सफ़ेद तिल और 100 ग्राम अलसी। इसे हमें फ्राई नहीं करना, इसे ऐसे ही छोड़ देना है और इसे हम पीस लेंगे। दूसरा, जो हमने बादाम और ये मखाने, इनको भी हम अलग अलग पीस लेंगे। काजू को मैं नहीं पीसूंगी। पीसना आपने मखानों को तो बिल्कुल बारीक है, बादाम को आप देख लीजिए जैसा आपका टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं बादामों को दरदरा पीसना, दरदरा पीस लीजिए। जिस जैसे आपने पीसना है, पिनियों में डालना है, उस हिसाब से डालिए। अब मैं इन मखानों को भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। देखिए, मखाने भी मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, 1 कप तो लेनी है सूजी, और साथ में मैंने लिया है 2 कप आटा। इसे हम अच्छी तरह सबसे पहले तो भून लेते हैं मिक्स करके। गैस की फ्लेम को या तो आप मीडियम हाई पे रखें, नहीं तो अगर आपने हाई पर रखनी है तो आप साथ साथ खड़े रहें। अब ये देखिए, ये घी मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी। 1 से 2 चम्मच ही। ये मैंने 1 कड़छी घी और डाल दिया है। इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। भूनने के लिए आपको, अगर आप गैस की फ्लेम को तेज़ रख रहे हैं तो आप साथ साथ खड़े रहें, और दूसरा, कढ़ाई हमेशा मोटे तले वाली लेनी है। और ये देखिए, बस अब हमें इसे भूनना है। जितना अच्छा आटा और सूजी भुना जाएगा, उतनी ही बढ़िया आपकी पिनिया बनेंगी। और इसे भूनने के लिए अब हमें आधा घंटा आराम से लग जाएगा।
क्योंकि मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पे रखा हुआ है। हम लोगों के पास घरों में जो गैस होते हैं उसके बर्नर मीडियम हाई वाले ही होते हैं, भट्टी तो है नहीं जिसे हम तेज आंच पर चलाएं कढ़ाई को और ये पिन्नियों को भूनते जाएं आटे और सूजी को। आधे घंटे के लिए इसे हम आराम से मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे ताकि आटा और सूजी अच्छी तरह भूनी जाए। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप खुद देख सकते हैं कि आटा और सूजी कितने बढ़िया तरीके से भुने जा चुके हैं। और आप ये देखिए कि कलर दोनों चीज़ों का बिल्कुल बैलेंस है। ये नहीं है कि आटा ज़्यादा लाल हो गया है और सूजी कम लाल हुई है, क्योंकि सूजी मोटी होती है और आटा बारीक होता है, इसलिए ये मैं आपको बात समझा रही हूँ। और पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैलती जा रही है। बस 2 से 4 मिनट और फिर अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे। और ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर कलर आ गया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें सबसे पहले तो ये मैंने बादाम है, देखिए मैंने इनको दरदरा पीस लिया है, इसे डाल देते हैं। साथ साथ मैंने अलसी और सफ़ेद तिल को भी पीस लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और एक बारी ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आप ये देखिए घी का तो अभी पता ही नहीं चलेगा घी कहाँ चला गया। ये देखिए अब हम मिला देंगे मखाने जो हमने पीस के रखे हुए हैं। ये देखिए मखानों को भी हमने अच्छी तरह पीस लिया है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और मखाने मिक्स करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे काजू। काजुओं को मैंने नहीं पीसा, सिर्फ मैंने उनको ऐसे ही सिंपली रखा हुआ है। और अब हम ये सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैंने घर में जो चीनी होती है उसे मैंने पीस लिया है। ये मैंने 3 पाव चीनी ली है और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने चीनी के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ और इसे हम ठंडा होने देंगे। अगर आपने इसको ऐसे ही खाना है एज अ पंजीरी तो वो भी आप खा सकते हैं। अगर आपने इसकी पिनिया बनानी है तो थोड़ी देर वेट करेंगे, ठंडा होते ही मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हम इसकी मज़ेदार पिनिया कैसे बनाएंगे।